तो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, उसका आज सेकेंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स किया था, आज हम करेंगे रिलेशंस। तो व्हाट आर रिलेशंस? डे टू डे लाइफ में भी हम रिलेशन की बात करते हैं, जैसे मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, फादर सन, फ्रेंड। तो ये क्या है? दीज आर रिलेशन। मतलब जैसे तो ना कि मदर फादर, यहाँ हम लिखें फादर सन, यहाँ लिखें मदर डॉटर, ठीक है, ये रिलेशन। या हम लिख दें फ्रेंड, वन इज फ्रेंड ऑफ अनदर। इस प्रकार के रिलेशन हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं। मैथमेटिक्स में सेम ऐसा ही होता है। और हम इसे लिख सकते हैं जैसे इज़ फादर ऑफ, ये रिलेशन है। राम इज़ फादर ऑफ श्याम, या फिर इज़ फ्रेंड ऑफ, कावेरी इज़ फ्रेंड ऑफ रंजना। ये जो इज़ फ्रेंड ऑफ, ये क्या है? रिलेशन। मतलब दो ह्यूमन बीइंग के बीच में क्या हमारा संबंध आ रहा है? इज़ फ्रेंड ऑफ, दैट इज़ अ रिलेशन। सिमिलरली इज़ ए स्क्वेयर ऑफ, मान लो यहाँ लिखता हूँ फोर इज़ स्क्वेयर ऑफ टू। तो ये जो रिलेशन है, ये आगे ह्यूमन बीइंग के ऊपर, सेट के ऊपर, और ये किसके ऊपर? नंबर्स के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर। क्योंकि फोर इज स्क्वेयर ऑफ टू, दैट इज नंबर। तो इसका जो सेट है वो आ गया नंबर्स, रियल नंबर्स। और ये से इज फादर ऑफ, इज फ्रेंड ऑफ, इज मदर ऑफ, ये क्या है? जो रिलेशन है वो है ह्यूमन बीइंग के ऊपर। तो इससे इस प्रकार हमारे रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया था दो सेट का। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन कैसे ड्राइव करते हैं। मैं दो सेट ले रहा हूँ, और एक और चीज़ कि ये जो रिलेशन है इसको डिनोट कैसे करेंगे? आर से। और आर को डिनोट हम रियल नंबर से भी करते हैं, तो वो होता है डार्क। वहाँ पे आर को हम डार्क कर देंगे, दैट इज़ सेट ऑफ रियल नंबर्स। और अगर ऐसे सिंपल आर है तो ये है रिलेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन को। तो दो सेट ले रहा हूँ मैं, एक सेट ले रहा हूँ ए, इसमें मैं दो नाम ले लेता हूँ, सरिता और तमन्ना, ठीक है। दूसरा सेट लेता हूँ बी, जिसमें नाम है रंजना, शिफाली, रिया, ठीक है। तो यहाँ देखें, दिस इज ए, दिस इज बी। तो मैं इसमें मैपिंग कर रहा हूँ, ये आएगा वन टू, वन टू थ्री। इसमें दो नाम है, मैंने लिखा एक सरिता, दूसरा लिखा तमन्ना। और इसमें आ गया पहले रंजना, दूसरा शिफाली और तीसरा रिया। अब हमने इन दो सेट में जो एलिमेंट हैं उनका हमने क्या निकालना है? पेयर्स निकालने हैं, उनके हमने ऑर्डर पेयर निकालने हैं, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हाँ जी, कितने एलिमेंट आ जाएंगे इसमें? दो इसमें या तीन इसमें, कितने हो जाएंगे? सिक्स। तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ, सरिता, सरिता रंजना, फिर सरिता शिफाली, फिर कॉमा तमन्ना, नहीं अभी, फिर सरिता रिया,
और फिर नेक्स्ट तमन्ना रंजना, फिर तमन्ना शिफाली और लास्ट वन तमन्ना और क्या यही हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आने थे? ये हमने पिछले कल किया है कि आपके पास दो सेट हैं ए और बी, उनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया है। तो मेरे पास ये इसमें इस क्रॉस प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट आ गए। अब रिलेशन क्या है? मैं एक रिलेशन लेटर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं रिलेशन ले रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ। मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ इज फ्रेंड ऑफ, क्या रिलेशन लिया? इज फ्रेंड ऑफ, एक रिलेशन ले लिया मैंने इज फ्रेंड ऑफ। मैं कह रहा हूँ कि जो सरिता है वो शिफाली की फ्रेंड है और तमन्ना रंजना की फ्रेंड है। अब मेरे पास क्या ऑर्डर पेयर बन जाएंगे? देखो, सरिता और इज फ्रेंड ऑफ को क्या मैं आर से डिनोट कर दूं? तो क्या मैं लिखता हूं सरिता आर शिफाली, फिर तमन्ना आर रंजना, ये दो रिलेशन बने आपके पास। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास 6 एलिमेंट हैं, लेकिन मैंने रिलेशन डिफाइन किया इज फ्रेंड ऑफ। तो सरिता इज फ्रेंड ऑफ शिफाली, तमन्ना इज फ्रेंड ऑफ रंजना। इसे मैं सेट में लिख देता हूँ और इसे लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ आर से। तो मेरे पास आ गया सरिता कोमा शिफाली, मतलब मैंने आर को हटा दिया, मैंने आर यहाँ लिया है मैंने। इसका ये मीनिंग हो गया कि सरिता फ्रेंड है शिफाली की और आगे है तमन्ना फ्रेंड है रंजना। दिस इज योर रिलेशन, दिस इज योर रिलेशन। और इस रिलेशन को मैं आगे डिफाइन कर सकता हूँ, ये देखिए, एक्स कॉमा वाई सच दैट, किस टाइप के एलिमेंट हैं एक्स और वाई के? एक्स और वाई एलिमेंट हैं। रिलेशन क्या है एक्स और वाई में? कि एक्स इज फ्रेंड ऑफ, है ना? सरिता कहाँ से आ रही है? ए से। कहाँ से आ रही है? मतलब इसके एलिमेंट जो है हम एक्स मान लेते हैं, इसके एलिमेंट वाई मान लेते हैं। तो एक्स जो है वो आ रहा है ए से, वाई आपको मिल रहा है बी से। तो एक्स कॉमा वाई इन इस रिलेशन के एलिमेंट हैं जिसमें सरिता हंस रही है। तो एक्स जो है इन दोनों में क्या आपस में रिलेशन है? कि एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई, जो भी पहले प्लेस पे होगा वो दूसरे का फ्रेंड होगा। यहाँ पे आया सरिता इज फ्रेंड ऑफ शिफाली और तमन्ना फ्रेंड ऑफ रंजना। तो क्या मैं इस रिलेशन को ऐसे जनरली डिफाइन कर सकता हूँ? एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई और एक्स कहाँ से आ रहा है? आप यहाँ पे लिखते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए कॉमा वाई बिलोंग टू बी। तो दिस इज रिलेशन। अब आपने ध्यान दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट जब आपने निकाला वो तो एलिमेंट ज़्यादा आए, लेकिन जब आपने रिलेशन निकाला तो एलिमेंट आपके कम हो गए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट आ रहे हैं वो रिलेशन भी हो। तो इसका मतलब ये होगा कि जो R है क्या वो सबसेट A क्रॉस B है? कितने एलिमेंट हैं? एक और दो। सरिता शिफाली ढूंढो, सरिता शिफाली एक एलिमेंट है, तमन्ना रंजना, तमन्ना और रंजना। तो ये जो R है वो A क्रॉस B का क्या है? सबसेट है, यही लिखा मैंने। अब कहने का मतलब है कि जो दो सेट है हमारे पास उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो जो रिलेशन है वो उसका सबसेट होगा और उसके इक्वल भी हो सकता है।
अगर यहाँ पे हमने इसे भी किसी साथ बना दें रिलेशन, तो हमारे पास फिर ये बराबर भी हो सकता है, समझ गए। अब रिलेशन आपको समझ आया कि रिलेशन क्या है, कि रिलेशन क्या है कि दो एलिमेंट हैं सच दैट कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A क्रॉस B सच दैट X बिलोंग टू A एंड Y बिलोंग टू B, ठीक है जी। तो दिस इज नोन एज रिलेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन समझ आया आपको, ठीक है। चलिए इसे नोट करें फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें जी, आप रिलेशन को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को, कैसे करते थे, दो तरीके से सेट को हम लिख सकते थे, कैसे, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पे रिलेशन को भी आप रोस्टर मेथड से लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड, जो भी कहना चाहो आप। अब यहाँ पे देखो, ये एक रिलेशन है, तो इस रिलेशन को मैंने लिखा है रोस्टर फॉर्म, दिस इज योर रोस्टर फॉर्म, सरिता, शिफाली, तमन्ना, रंजना, डायरेक्ट आपके पास एलिमेंट हैं, तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म है। और ये जो नीचे मैंने लिखा है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि इसमें डिफाइन कर रहा है वो, हमने जनरली कोई एक्स वाई लिया है, बाद में लिख दिया कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, तो ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमेन। व्हाट इज डोमेन, इस रिलेशन में डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये जो आपके पास एक्स वाई एक एलिमेंट है, इसका जो फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा, क्या होगा, डोमेन। मतलब यहाँ पे एक्स डोमेन है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, कोई एलिमेंट है किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका जो सेट होगा दैट इज नोन एज, या हम सीधा बोलें कि जो भी आपके पास यहाँ पे एलिमेंट है इसमें जो जो फर्स्ट प्लेस पे होगा वो डोमेन होगा, और रेंज क्या होगा, जो सेकंड प्लेस पे आएगा वो क्या होगा, रेंज होगा इस रिलेशन का, इस वाई और एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, जो डोमेन है ये सबसेट होगा ऑफ ए सेट का, ये जो ए सेट है उसका ये जो डोमेन है सबसेट होगा। सिमिलरली ये सबसेट होगा बी का, जो रेंज है वो सबसेट ऑफ बी, जो जैसे हमने यहाँ पे मैकपी में बताया था, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और वर्ड आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है कि जो सेट बी है दैट इज कोडोमेन। यहाँ पे हमने दो सेट दिए थे ए और बी, बी में जो जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट जो बी में हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। लेकिन ये रेंज नहीं होंगे, आपने देखा उसमें एक नाम था उसका किसी के साथ रिलेशन नहीं था, यहाँ पे पहले सरिता थी, तमन्ना, ये क्या था, रंजना, शिफाली और रिया थे, तो हमने ये रिलेशन था हमारे पास, इसमें आर छूट चुका था, इसमें आर जो है उसका किसी का रिलेशन नहीं था, तो ये जो सेट बी है इसमें तीन एलिमेंट हैं, तब ये क्या है, कोडोमेन है। लेकिन अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज में सिर्फ कितने लोग आए, दो आए, उनका रिलेशन था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है वो सबसेट ऑफ सेट बी है,
ठीक है, कि जो रेंज है उसमें दो एलिमेंट आए, टोटल एलिमेंट कितने, तीन एलिमेंट है, तो वो सेट बी है। तो रेंज आपकी कम है, रेंज उसकी सबसेट है और सम टाइम इक्वल भी हो सकता है। जी सारे रिलेशन में अगर आ गए तीनों एलिमेंट, तब रेंज इक्वल टू सेट बी, दैट इज कोड मेन। ठीक है, समझ आ गया। तो अब आपको सिर्फ सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके ऊपर, कि आपने रेंज निकालनी है, डोमेन निकालनी है, कोड मेन फाइंड करनी है, या आपको कोई स्टेटमेंट गिवन होगी, आपने उस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो चले फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इसके नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन देखें। एक सेट है ए जिसमें एक से लेकर छः तक एलिमेंट हैं। कहता है कि आपने रिलेशन ड्राइव करना है आर फ्रॉम ए टू ए, दोनों सेट ए टू ए हैं और रिलेशन आपको डिफाइन है कि एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं उस रिलेशन में, और एक्स और वाई में रिलेशन क्या है कि वाई जो है वो इज इक्वल टू है एक्स प्लस वन, मतलब वाई में जो एलिमेंट हैं वो एक्स में जो भी एलिमेंट है उसमें एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू वन ले लेते हैं, क्योंकि आपके पास वाई कितना है। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स यहाँ से आएंगे और रिलेशन आपने करना है ए टू ए। ए टू ए का मतलब कि जो आपने एक्स आएगा वो भी ए से आएगा और वाई भी कहाँ से आएगा, ए से आएगा, ये ध्यान रखना। तो एक्स की वैल्यू वन ले ली, तो वाई में वाई कितना आ गया, एक्स की वैल्यू टू ले लो, फिर एक्स की वैल्यू थ्री, वाई कितना आ गया, और एक्स की वैल्यू वाई, एक्स की वैल्यू वाई, एक्स की वैल्यू वाई कितना। तो क्या ये लास्ट वाला एलिमेंट इस रिलेशन में आएगा, क्योंकि हमने जो रिलेशन बनाना है वो ए टू ए है। इसका मीनिंग है कि एक्स के जो एलिमेंट है वो भी ए से आने चाहिए, वाई के एलिमेंट भी ए से आने चाहिए। अब यहाँ पे एक्स के एलिमेंट ए से तो आ रहे हैं सिक्स है, लेकिन वाई का एलिमेंट आ गया सेवन, तो सेवन क्या ए से आ रहा है, तो नहीं आ रहा, तो फिर हमारे पास ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट नहीं आएगा। और इस रिलेशन को हम लिख देंगे रोस्टर फॉर्म में। तो इसने पूछा, कैसे पूछा, इसने कहा, कहता है कि यूजिंग एरो डायग्राम बनानी है आपने, है ना। चलो उसको बना लेते, लिख लेते हैं इसको, वन कोमा टू, टू कोमा थ्री, थ्री कोमा फोर, फोर कोमा फाइव कोमा सिक्स, ये आपके पास रिलेशन बना। तो पहला कह रहा है डिपिक्ट रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम बना के आप इसको पहले कहता बताओ। तो ये मेरे पास आगे बैठा ए, दिस इज ऑल्सो ए, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हमारे पास ए टू ए आ गया। अब रिलेशन क्या है, वन टू टू, फिर आगे आगे तो ये हमारे पास रिलेशन बना। इसमें से वन छूट गया और रिलेशन में नहीं है, यहाँ पे सिक्स रिलेशन में नहीं है, नहीं है ना, हालांकि एलिमेंट है आपके पास लेकिन रिलेशन में नहीं है। ओके, सेकंड पार्ट कहता है कि आप बताएं डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो चले पहले डोमेन लिख लेते हैं। हाँ जी, तो डोमेन में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, जो भी आपने यहाँ पे रिलेशन फाइंड किया उसकी जो फर्स्ट प्लेस पे जो जो एलिमेंट हैं वो उसके डोमेन में जाएंगे। तो क्या डोमेन आएगा, वन कोमा टू। सिमिलरली रेंज, ओके, और रेंज फाइव सिक्स, और कोडोमेन, कोडोमेन क्या होती है, सेट ऑफ बी, यहाँ पे बी सेट कौन है, ये वाला,
इसमें जितने एलिमेंट हैं वो किस में आएंगे? ठीक है, चलिए नोट करें। तो ये 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको एक सेट दिया है जिसमें 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट हैं और एक रिलेशन उसने डिफाइन किया है जिसमें एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं और एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, 3x - y इज इक्वल टू 0 और एक्स और वाई जो एलिमेंट है वो ए से आएंगे, एक्स भी ए से आएगा वाई भी ए से आएगा। तो हमने पहले ये रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन बनाने के लिए आपको क्या गिवन है, पहले वी हैव 3x - y इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू 3x। तो इस रिलेशन में x और y का क्या आपस में रिलेशन आया कि जो भी x होगा y क्या होगा उसका 3 टाइम होगा। ठीक है, तो चलिए पहले फाइन कर लेते हैं। हाँ जी, इफ x इज इक्वल टू 1, एक्स कहाँ से आएंगे, ए से, तो आप कितने एक्स ले सकते, 1 से लेकर 14 तक यू कैन टेक ए एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 3 और इफ एक्स इज इक्वल टू 6 फिर एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि मैं यही एलिमेंट ले सकता हूँ क्योंकि उसने कहा कि एक्स और वाई दोनों ए से लेने हैं। वाई कितना, सॉरी कारण कि अगर हम एक्स की वैल्यू 5 लेते हैं तो वाई कितना आ जाएगा, 15। और 15 भी ये डेफिनेशन कहती है कि वाई भी ए से आना चाहिए, तो ए में तो 15 है ही नहीं, इसलिए फिर मैं ये एलिमेंट नहीं ले सकता हूँ। तो मेरे पास जो आर आया है, रिलेशन आया है, उसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। सॉरी, क्या बन गया, ठीक है। तो इसने कहा कि आप इसकी डोमेन, रेंज और को डोमेन फाइंड करें। तो लो जी, डोमेन 1, 2, 3, 4, 5 भी आएगा, तो रेंज 6, 9, 12 और कोडमीन, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बड़े अच्छी तरीके से आप सुन रहे हो। कोडमीन क्या है, सेट ऑफ बी, सेट ऑफ बी में जो वाई यहाँ से आएगा वो क्या है, कोडमीन है। तो यहाँ पे जो वाई के टोटल एलिमेंट जो थे वो हमारे पास कितने हैं, क्योंकि हमने ये था ना एफ सच दैट ए टू बी, तो यहाँ पे क्या एफ ए टू ए है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, कोडमीन है, रेंज नहीं है, वो हो भी सकती है रेंज लेकिन रेंज नहीं है। रेंज जहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, सम टाइम आपको ये दोनों बराबर ही मिलेंगे, कई बार बराबर भी मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट देखिए, ये 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पे एक एरो डायग्राम गिवन है, ये P सेट है, ये Q सेट है। P में 3 एलिमेंट है, 5, 6, 7 और Q में है 3, 4, 5। हमें क्या पूछ रहा है, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म और व्हाट इज डोमेन और रेंज ऑफ दिस रिलेशन। तो सबसे पहले तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, 5 का किसके साथ रिलेशन है, 6 का, 7 का, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 5, 3 फिर 6, 4, 7, 5, तो ये मेरा क्या बन गया, रिलेशन। और रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं, अब ये कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आपने, तब आप देखिए इसमें क्या रिलेशन है, 5 और 3 में क्या रिलेशन है बेटा, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस
मतलब जो y एलिमेंट है वो x से कितना कम है, 2 कम है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो r x कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2। इन दोनों एलिमेंट में आपस में क्या रिलेशन है कि जो y में जो y प्लेस पे जो एलिमेंट है, जो सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले प्लेस से 2 कम है। तो y अगर मान लो 3 है तो 5 माइनस 2 दैट इज, तभी y आ रहा है ना। और दूसरा क्या है, x कहाँ से आ रहा है, p से, और y कहाँ से आ रहा है, q से। देखो ये एक्स है और ये वाई है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, सेट। अब हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन है। तो लो जी डोमेन बताएं, 5 6 7 5 6 और रेंज क्या आ गई, 3 4 5 5। दिस योर आंसर, ठीक है, कोई डाउट है, ठीक है, चलिए नोट करें। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। हमें गिवन है कि एक रिलेशन है, उस रिलेशन में ए बी टाइप के एलिमेंट हैं और ए बी जो एलिमेंट है वो आ रहे जेड से। जेड एक इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है, और ए और बी में जो रिलेशन है वो क्या है कि इनका जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर है। तो बताएं कि इसका डोमेन और रेंज क्या है, सोचो। ए कहाँ से आ रहा है, जाहिर है कि ऑन जेड है, तो ए कहाँ से आ रहा है, जेड से आ रहा है, और बी कहाँ से आ रहा है, तो देयरफॉर डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ जेड। ऑल जो भी आपके सेट ऑफ जेड, सेट ऑफ इंटीजर हैं जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, वो डोमेन है। क्यों, कि ए बी में रिलेशन बनना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है जिनको डिफरेंस करने पर इंटीजर ना बनता हो, क्योंकि जैसे 1 और 1 ले लें आप, डिफरेंस करें कितना आता है, 0। 0 ज़्यादा से इंटीजर। आप माइनस नंबर को प्लस में ऐड कर दें, प्लस में से माइनस ऐड कर दें, या 2 माइनस नंबर को माइनस करें या 2 प्लस को माइनस करें, तो जो भी आपको नंबर मिलेगा होल नंबर मिलता है, क्योंकि आपने होल नंबर ही लेना है। कारण क्या है कि ए जो है वो इंटीजर है, तो इंटीजर क्या होता है, होल नंबर। ये सारे क्या हैं, इंटीजर। अब जिसको मर्जी डिफरेंस कर लो, तो आपको ये रिलेशन में ही मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है, जो ए है वो कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन। सिमिलरली जो रेंज है दैट इज आल्सो, तो जो रेंज है दिस इज आल्सो सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। चलो इसी साथ आपकी जो एक्सरसाइज खत्म, तो नेक्स्ट हम कल करेंगे फंक्शन।